गाइज ये देख सकते हो आप, हमारी गावटी हंडी अटेम्प्टिक दिख रही है। अरे धनिया के साथ सजी हुई ये गावटी हंडी अब रोटी का इंतजार कर रही है। तो नमस्कार, स्वागत है एक बार फिर से आपका जेपी किचन में। और आज मैं बनाने वाला हूँ यहाँ पे गावटी हंडी। डाल देते हैं हम ये सरसों का तेल, थोड़ा सा ये जीरा, जीरे को चटका देते हैं, थोड़ी सी ये डाल देते हैं हम इसमें बारीक कटी हुई लहसुन, ठीक है। ये इस तरह से इसमें हम डाल देंगे ये लच्चा कटी हुई प्याज और ये चार से पांच ये इस तरह लहसुन, ये लच्चा कटी हुई अदरक और ये मिर्ची, ठीक है, सारे साथ में डाल देंगे। और अब इसको भूनेंगे हम इसे। अब इसमें हम डाल देते हैं ये लच्चा कटा हुआ टमाटर, तो टमाटर को भी थोड़ा भून लेंगे। लहसुन अदरक का पेस्ट, कश्मीरी लाल मिर्ची का पेस्ट, थोड़ी सी हल्दी डाल देंगे, नमक अपने स्वाद के अनुसार डालिए, थोड़ी सी लाल मिर्ची का पाउडर, थोड़ा धनिया पाउडर, थोड़ी सी किचन किंग, थोड़ा गरम मसाला। तो चलिए अब हमने इसमें धनिया डाला हरा, इसमें ये डाल देते हैं गावटी चिकन, ठीक है। तो चलिए इसको भून लेंगे बढ़िया से। तो अब डाल देते हैं हम ये पानी, कवर कर लेते हैं। ये देखिए ये हमने कवर कर लिया और इस देंगे दो सीटी। तो गाइज ये देख सकते हो आप, हमारी गावटी हंडी यहाँ पे बिल्कुल लाजवाब और ये एकदम ड्राई फ्राई हमने बनाई है, काफी टेम्प्टिंग दिख रही है। अरे धनिया के साथ सजी हुई ये गावटी हंडी अब रोटी का इंतजार कर रही है। और ठीक सामने आप देख सकते हो तंदूर में इसके साथ रोटियां लगाई जा रही हैं और गर्मा गर्म रोटी देख सकते हो ये आ चुकी हैं। तो ये फिलहाल ये देखिए।